तो गाइज आज हम हरेली के उपलक्ष्य में लगाने वाले हैं फलदार वृक्ष। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आइए और इनकी दुकान की शोभा बढ़ाइए। नई नई दुकान है अब इनकी। मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। तो गाइस नए ब्लॉग की नई शुरुआत करें एक नए दिन के साथ। आज है हरेला पर्व जो हमारे उत्तराखंड में लगभग मनाया जाता है, तो आज हमारी छुट्टी भी है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हरेली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरेला त्यौहार हरियाली का प्रतीक माना जाता है। किसान अपनी फसल की कामना करते हुए हरेले का त्यौहार मनाते हैं। तो मुझे ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं है क्योंकि मेरे मायके में हरेले का त्यौहार नहीं मनाते हैं, तो हमारे ससुराल में मनाते हैं। तो मैं मोटू से पूछना चाहूँगी, उनको ज़्यादा जानकारी इस बारे में होगी। घरों के छत पे आ रखी हूँ और आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ कितनी हरियाली है और आज मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो मोटू यहाँ पे आए हैं बिना नहाए धोए, तो इनसे ही पूछ लेते हैं। अभी थोड़ी देर बाद ये नहाएंगे और हम जाएंगे हरसैम के मंदिर में हरेला चढ़ाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री श्री 1008 देवी जी हमसे पूछ रही थी कि हरेला क्यों मनाया जाता है। हरेला सुख समृद्धि का प्रतीक है और पहाड़ों में इसे मनाने का एक मेन उद्देश्य ये है कि इस दिन श्रावण के महीने की शुरुआत होती है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखेगी। आषाढ़ के महीने में धान इत्यादि बोया जाता है, तो हरा पलटने में जो टाइम लगता है वो करीब करीब एक महीने का लगता है। उसके बाद ही चारों ओर हरियाली आपको देखने को मिलेगी और साथ ही वृक्षारोपण भी जो है श्रावण के महीने में ही ज़्यादातर किया जाता है। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि कुछ अपने परिसर में कुछ पेड़ इत्यादि लगाए जाएं। तो दोस्तों कितना हरा भरा हमारा गांव लग रहा है, आप देख सकते हैं। और आज हल्का हल्का कोहरा भी लगा हुआ है और बादल भी लगे हैं, बाकी मौसम तो ठीक ही लग रहा है। आज सावन का पहला सोमवार भी है और पापा का व्रत भी है, मम्मी का भी व्रत है। तो ये लोग कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ भी नहीं पी रहे हैं। तो हम लोग अब जाएंगे मंदिर में हरसैम के। पापा कुछ बोलना चाहोगे? बस बढ़िया है, आप जाओ, हम लोग चलते हैं पूजा पाठ करने। तो हम मंदिर की ओर जा रहे थे तो हम आए हैं चाची के घर में। चाची लोगों ने अभी हरेला नहीं काट रखा है, तो चाची बताएंगी कि इसमें कौन कौन से अनाज इन्होंने मिक्स कर रखे हैं। चाची बताओ। गेहूं, झट और घोगा, सरसों। चार ही कर रहे हैं, पांच नहीं कर रहे? जौ। जौ भी। तो ये कितना प्यारा लग रहा है, ये निंगालू के डलिया में बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें मिट्टी डाल रखी है और निंगालू के डलिया में दो दो रख रखे हैं। दो क्यों रखते हैं चाची? दो में रखते हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मोनी जी ने रखा है, इनकी बेटी ने, और बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो हम हरसैम के मंदिर में पहुँच गए हैं दोस्तों। तो मोटू यहाँ पे पूजा पाठ करने लग गए हैं। यहीं पे लगा दो, एक दो धुनी में लगाना, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे लगा दो। दोस्तों हमारे हरसैम के मंदिर में हमने पूजा पाठ कर ली है, दिया बाती धूप बत्ती कर ली है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे हरसैम भगवान जी के। सभी लोगों के जीवन में इतनी खुशहाली आए, बहुत खुशियां आए, ये हरेला त्यौहार आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और आप लोग दर्शन कर लीजिए हमारे मंदिर के। बोलो हरसैम देवता की जय, बोलो मल्लिनाथ स्वामी की जय। दर्शन करके ना मन बहुत शांत हो गया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमको। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मंदिर में जाने की लेकिन बन नहीं पा रहा था प्लान, लेकिन होता है ना, हुक्म होता है भगवान का, तो कैसे भी मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो हम लोग अब दर्शन करके घर की ओर जा रहे हैं। तो गाइज आज हम हरेले के उपलक्ष्य में लगाने वाले हैं फलदार वृक्ष। ये माल्टे का पौधा है, दोनों माल्टे के ही हैं या संतरे के भी हो सकते हैं, पता नहीं, अब जब इसमें फल लगेगा तब पता चलेगा। ये कहीं से आ रखे हैं, तो हमारे पास 7-8 पौधे आज माल्टे के हैं, तो इनको लगाते हैं। यहाँ पे बूबू जो है इसके लिए जगह बना रहे हैं, खोद रहे हैं और हम लगाते हैं अब पेड़। पहले खाद डाल रहे हैं, उसके बाद पौधा लगेगा, क्योंकि हमारी मिट्टी थोड़ा अलग सी है तो इसमें पौधे कम ही होते हैं।
तो यहाँ पे लग गया हमारे माल्टे का पौधा। बस 3-4 पौधे और रह गए हैं, 2 पौधे हमने लगा दिए ऊपर साइड को, अब इनको भी कहीं लगाते हैं। मिट्टी यहाँ की अच्छी नहीं होने के कारण हमारे पौधे जल्दी सूख जाते हैं 2-2, 3-3 साल में, क्योंकि जो दल टाइप की मिट्टी यहाँ है, पत्थरी पत्थर नीचे से निकलता है, तो इनकी जड़ें ना ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती हैं, ऊपर से ही सूख जाती हैं। इसीलिए हम इनके लिए जगह ढूंढ रहे हैं, और 2-3 जगह तो हमने खोद भी दिया, लेकिन वहाँ पे भी नीचे से पत्थर लगा तो हमने वो जगह छोड़ दी। अब देखते हैं कहीं और अगर लग पाते हैं ये पौधे, तो ये भी लगा लेंगे सारे के सारे आज ही। यहाँ तो ठंडा इलाका हुआ, यहाँ तो माल्टे संतरे तो होने चाहिए, लेकिन मिट्टी के अच्छे ना होने की वजह से यहाँ फ्रूट्स कम ही होते हैं। मतलब बुबू ने लगा दिया, अब दूसरा पौधा मोटू लगा रहे हैं, ये हो ही जाएगा यहाँ पे भी। यहाँ पे अच्छी मिट्टी है, हमने ढूंढ निकाली अच्छी जगह पौधे के लिए। ये गोबर की खाद है दोस्तों, हमारे जानवरों की घर की शुद्ध खाद है हमारी। हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं, हम बाज़ार से कोई खाद नहीं डालते हैं पौधों में, क्योंकि हमारे पास घर का गोबर रहता है। अब अच्छा मिट्टी डालो, अब उसको तो तीसरा पौधा जो है मैं लगा रही हूँ। अब देखते हैं किसका पौधा सबसे अच्छा होता है, चाहे बूबू का अच्छा होता है, मेरा होता है, या आपका अच्छा होता है। यहाँ पे लगा दिया गोबर के खाद के पास में, क्योंकि यहाँ पे गोबर की वजह से जल्दी भी हो सकता है ना ये पौधा। अब जाएंगे दूसरी साइड, तो 2-3 पौधे हमने घर के आगे साइड लगा दिए, अब 2 पौधे और बचे हैं, वो वाले पौधे आगे उस साइड पीछे साइड को लगाएंगे। अब जानवरों को भी यहाँ पे धूप लग गई है, तो इनको भी पानी पिला के गोठ में बांध देते हैं, क्योंकि अब धूप आगे तक आ गई। और जो 2 पौधे बचे हैं उनको अब लास्ट में लगाएंगे या शाम को लगाएंगे, क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है, पहले इनका ही करते हैं अब, क्योंकि जानवर भी बेचारे गर्मी के कारण इनको भी प्यास लग गई है। तो वैसे बढ़िया खाना पीना खा लिया है, अब मम्मी और पापा का व्रत है और भाई का भी व्रत है, वो मंदिर चले गए हैं। और आमा मैंने, बुबू ने और मोटू ने, हम चारों ने खाना खा लिया, और अब खाना खाने के बाद मैं आई हूँ छत पे आम खाने के लिए। और मौसम आप देख ही सकते हैं, कभी बादल लग जा रहे हैं, कभी बारिश भी हो जा रही है। एक बार बारिश हो गई थी, बहुत सारे कपड़े मैंने छत पे फैलाए थे, लेकिन सारे नीचे ले जाने पड़े, दोबारा डाल देती हूँ, अगर बारिश होगी तो फिर उठाऊंगी, अगर नहीं हुई तो वो सूख जाएंगे। मैं अपने लिए सिर्फ 1.5 आम लेके आ रखी हूँ, इसमें से भी इन्होंने चुंगी खा दी है। कैसा हो रहा है? बढ़िया। अच्छा हो रहा है? और खाओगे? हाँ, तो और खाओगे, फिर उसके बाद मिलेगा भी नहीं। तो मैं आपको देना ही नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस पूछ रही थी, तो फॉर्मेलिटी है यार पूछने की। अपने हिस्से का खा के मेरे हिस्से का भी खाओगे क्या? तो वैसे मैं आ रखी हूँ छत पे तैयार होके रील्स बनाने के लिए, क्योंकि मुझे रील बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब भी हम गांव आते हैं टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, तो आज मेरे पास बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम है मेरे पास, तो मैं तैयार भी हो रखी हूँ, और मैंने बहुत सारी रील्स बना भी ली हैं। तो अगर आपको रील देखना पसंद है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी गीत दीपक को आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे रील्स भी बना ली है, और 3-4 साड़ियाँ मैंने लेके आई थी छत पे, ये वाली साड़ी 2 की 2 मम्मी की है, ये वाली साड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो वाली मेरी है। आप सोए रहोगे क्या? ना, आज बढ़ते खरा, ऐसे ऐसे नींद आएगी आपको, उठो। तभी तो मोबाइल पकड़ पकड़ मेरे नींद आ जाए। क्या देख रहे हो? मूवी? बैठना फिर, हम जाते हैं, ठीक है? कल मेरा बर्थडे है, आते वहीं को, आज वहीं करते पार्टी। अब देखेंगे कब आएंगे, जब आप बुलाओगे तब आएंगे, ठीक है? आएंगे अगली बार, चलते हैं। ठीक है, बैठो, बाय। आज बहुत गंदा वाला टामा हो गया यार, हमने सोचा था कल को छुट्टी होगी, हाई अलर्ट होगा, लेकिन हुआ नहीं, और फिर रात को मैसेज आएगा तो हम फिर सुबह जा नहीं पाएंगे, इसलिए हम आज ही निकल गए। घर वाले कहाँ मानते हैं, सुबह बारिश होगी कह रहे थे, तो आज ही हमको भगा दिया घर से। क्या था, हरेले का त्यौहार खा के जाएंगे, लेकिन त्यौहार तो हमने कल ही खा दिया था, और आज जाना ही पड़ा। आज तो मेरा मूड ही नहीं हो रहा है बिल्कुल जाने का, अब क्या करें यार। छी, कल को मेरा बर्थडे भी है पता है, बढ़िया बर्थडे अड्डे बना के जाएंगे सोचा, लेकिन ऐसा मौका मिला ही नहीं। घर वालों के साथ मैंने एक भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है आज तक, भगवान करे अगली बार छुट्टी और मैं इनके साथ सेलिब्रेट कर पाऊँ। बहन सोनी को
रंग रोगन शाला खोलने की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आइए और अपनी डेंटिंग पेंटिंग जितने भी है सारी एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान से जरूर करिए। धन्यवाद। आज हमारी दुकान का उद्घाटन है सोमांस ब्यूटी सैलून, तो जरूर जरूर आइएगा। ये टीआरसी के पास में है, दिघाट में। जी जी आए हैं हमें आइडिया देने के लिए, एक बार सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। वेलकम। अभी तो नया नया काम है, ज्यादा अभी कुछ ज्यादा चीजें रखी नहीं है। ये मिठाई है। ये शैम्पू स्टेशन, ये मेकअप चेयर है। मुझे पार्लर के बारे में ज्यादा पता नहीं है। फेशियल बेड है। अच्छा अच्छा। ये स्टीमर वगैरह है। अभी यहाँ पे हवन चल रहा है, अभी गृह प्रवेश भी हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा हवन वगैरह भी हो रहा है। ये देखो, ये हमारी इतनी मोटी भाभी है जो बिल्कुल खाना नहीं खा रही है, खाली रायते से पेट भर रही है, सही कुछ भी नहीं है। ये देखो इनकी ट्रे देखो। ये इसने पूरा चट कर दिया है। ये भूखी लड़की है, कभी सर ऊपर नहीं करती है। ये हमारे दादाजी है, ये खाना बनाने वाले मास्टर शेफ हैं। मेरी मम्मी और सासू माँ। मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है, मेरी सासू माँ है। चलो आपको बहुत बहुत बधाई दुकान की ओपनिंग की। आते रहेंगे आपकी दुकान में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आइए और इनकी दुकान की शोभा बढ़ाइए। नई नई दुकान है अभी इनकी। तो फाइनली रूम पे पहुँच गए हैं और यहाँ आके ना बहुत गर्म हो रहा है। यहाँ आके तो पता नहीं क्या ही हो जाता है इतना गर्म। दो दिन से यहाँ बारिश नहीं हो रही है ऐसा सुनने में आ रहा है, तो यहाँ तो बहुत ही भयंकर वाली गर्मी हो रही है। फोन भी स्विच ऑफ होने वाला है मेरा, तो मैं इसको चार्ज लगा लेती हूँ। तो गाइस अभी हम आए हैं छत पे, 5:30 भी हो रहा है टाइम, और अंदर तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि रहा ही नहीं जा रहा है। तो बाहर आए छत पे, थोड़ा ठंडी हवा लगेगी करके, यहाँ भी ठंडी हवा नहीं चल रही है और बारिश का अभी तक नामो निशान नहीं है। और मौसम आप देख सकते हैं इतना काला हो रहा है और इतना गंदा हो रहा है। तो एक क्यूट सा बच्चा है हमारे पड़ोसन आंटी जी का, हलचू हाई कर दे। हलचू यहाँ देख, ये कौन है? हलचू है, ये हमारी यूवी का रानी। इसकी आँख में कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है यूवी? और एक गाड़ी चला रहा है। बस आज दोनों बच्चे अकेले हैं। मम्मी आ गई है इनकी शॉपिंग में हरी हरी चूड़ियाँ पहनने के लिए सावन के महीने में है। इसकी पौर यहाँ पर विनिका बैठी है। ये है कलैया, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। शॉपिंग करके आ गए क्या ये? प्रणाम, ठीक हो? कर दी अरे उसकी शॉपिंग, सावन की शॉपिंग, हरी हरी चूड़ियाँ दिखाओ तो। वाह, अरे वाह, व्रत होगा ना आपका तो, आपने भी रखा है। ये क्या है, कनफूल? इतना पसीना क्यों हो रहा है, दौड़ दौड़ के क्यों आए? तो घर क्यों नहीं गए? हम तो घर में ठंडी हवा खा के आए हैं। घर में काम करना पड़ता है ना, इसलिए हम नहीं जाते। काम चोर बहु, मोटापा नहीं पड़ता है ना यहाँ, मोटापा पड़ता है। सही, बहुत गर्म हो रहा है थल में, बाप रे। तो गाइस हम दुकान तक आ ही गए हैं, तो हम सोच रहे हैं सावन की हरी हरी चूड़ियाँ हम डालें। तो इतनी सारी चूड़ियाँ लगी हैं यहाँ पे और बहुत सुंदर सुंदर लग रहा है यार ये। अच्छा लग रहा है ना। इस बार मैंने थोड़ा हटके पहनी है चूड़ियाँ। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लग रही हैं। पिछली बार मैंने इस टाइप की पहनी थी, रेड और याली ग्रीन पहनी थी, लेकिन इस बार मैंने दूसरी टाइप की ग्रीन और दूसरी टाइप की येल्लो पहनी है। तो गाइस अब हम घर की ओर जा रहे हैं, सारी शॉपिंग हो गई आज की। तो गाइस मार्केट से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने नहा भी लिया है और मोटू ने भी नहा लिया है। तो मेरी आज की सब्जी बन चुकी है, मैंने आज बैगन की सब्जी बना रखी है और आटा गूंथती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ, क्योंकि भूख भी लग गई है। अब लाइट भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से भी लाइट आई है, आ रही है जा रही है, तो लाइट का कोई भरोसा है नहीं। चार्ज वाला बल्ब हमारे किचन में नहीं है, बाहर वाले रूप से चार्ज वाला बल्ब है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताने कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।